नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। बिहार के सहरसा में खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत साह को गोलियों से भूना। एसपी लिपि सिंह और डीआईजी शिवदीप लांडे के क्षेत्र में बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, जनता में दहशत। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद फिर एक बार राज्य में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ चढ़ने लगा है। एक के बाद एक हत्या, लूट और गोलीबारी जैसे घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला प्रदेश के सहरसा जिला का है, जहां शुक्रवार को अपराधियों ने मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सहरसा जिले के बैजनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत के वर्तमान मुखिया रंजीत शाह के रूप में की गई है। रंजीत शाह शुक्रवार की शाम बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के खजूरी रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली मारी की घटना में मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई। एमएलसी का रिजल्ट आते ही सहरसा में मुखिया का मर्डर। नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन पर उतारा गुस्सा। सहरसा शोर बाजार के खजूरी पंचायत से नव निर्वाचित मुखिया रंजीत शाह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बैजनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के खजूरी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई हत्या। बिहार के सहरसा में अपराधियों ने एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिर से एक मुखिया की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। ताज़ा मामला सहरसा जिले का है, जहाँ शोर बाजार प्रखंड के खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बैजनाथपुर पुलिस थाना क्षेत्र के हर कुंडा मुसरी टोला के समीप पूर्व से धात लगाए कई अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सहरसा पूर्णिया NH 107 के बैजनाथपुर चौक पर आगजनी किया एवं सड़क को जाम कर दिया। सहरसा जिले के बैजनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत से दिलीप यादव की रिपोर्ट। लोकतंत्र खतरे में है। जनप्रतिनिधि का जान गाजल और मूढ़ी के समान हो गया है। कद्दू की तरह कभी भी काट दिया जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं, नए लोग चुन के आए हैं, उस पर हमला हो रहा है। सरकार मूक दर्शक है। प्रत्येक दिन कहते हैं कि लाइसेंस देंगे, सुरक्षा देंगे, लेकिन हमला रुका नहीं है। आज सहरसा नहीं बल्कि कोसी में ये पहला इस तरह का घटना है। और जो मुखिया की हत्या हुआ है वो बहुत लोकप्रिय था। कम में वो पहले बार भी जीतते जीतते हार गया था, इस बार जीता था। वो लोगों का काम करता था, सेवा करता था। हम कहते हैं सरकार से कि आप बिल्कुल फैल कर गए हैं, आपको कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप सुरक्षा दीजिए, जो भी हत्यारा हो पाताल में भी हो उसको चुन के निकाल के लाइए, उसको फांसी पर चढ़ाइए और इसके परिजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे। स्पीडी ट्रायल चलावे सरकार और जनप्रतिनिधि को सुरक्षा दे। अभी तक पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर नहीं पहुँची है, इसको लेकर क्या कहना? पुलिस ये दुर्भाग है ना भाई, पुलिस नहीं पहुँची है तो ये दुर्भाग है। वैसे हमने उच्च पदाधिकारी से बातचीत भी किया है, लोगों में गुस्सा है, स्वाभाविक है, पुलिस के प्रति गुस्सा है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटना घट रही है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो फेस नहीं कर पा रहा है। अभी DSP साहब भी आए हैं और लोग भी आए हुए हैं, लेकिन उनके मन में डर किस चीज़ का? उनको आना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों से भी कहते हैं कि आप हिंसा मत लीजिए, सत्याग्रह कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाए। हो रहा है, हम इससे बहुत सरकार के प्रति बहुत आक्रोश में हैं। हम भविष्य में यही चाहते हैं कि जो इसके साथ जो न्याय मिले और तमाम जनप्रतिनिधि के साथ न्याय सुरक्षा मिले। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि आप सुरक्षित सभी माननीय मुखिया जी को दिया जाए। क्या नाम? मेरा नाम चंद किशोर कुमार, वर्तमान में पंचायत ग्राम पंचायत बैजनाथपुर का मुखिया। हाँ, एक मुखिया है खजरी के, खजरी पंचायत के, है ना, रंजीत शाह, उन्हीं की गोली मार करके हत्या हो गई है। रोड जाम वगैरह उसको हम लोग देख रहे हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जाँच चल रही है। NH 107 पे जो है पूरा जाम जो है लगा हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जाम छूट जाएगा, जल्दी जाम छूट जाएगा। क्या आश्वासन दिया गया है? अभी इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है। चुनावी रंजिश तो नहीं है कोई? हम लोग हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया है सर? जो भी अपराधी है उसको तो हम लोग पकड़ेंगे।
निश्चित पत्र नहीं है उसको भेज जाएंगे, जघन्य अपराध है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।